बात करते हैं मध्य प्रदेश की राजनीति की, जहां गुना लोकसभा सीट पर 7 मई को वोटिंग होनी है, लेकिन इस दौरान तमाम नेता चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और साथ ही साथ एक दूसरे पर वार करने में भी लगे हुए हैं। देखिए एक मिनट में पूरी खबर। लोकसभा चुनाव के रण के साथ ही एक दूसरे पर हमले भी तेज हो गए हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में फिलहाल जुबानी जंग ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह के बीच चल रही है। दोनों एक दूसरे पर बिना नाम लिए ही हमला कर रहे हैं। गुना से बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिग्विजय पर बिना नाम लिए हमला किया है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सिंधिया ने कहा कि अपनी सेना तैयार रखना, राघोगढ़ किले पर सेना लेकर आ रहे हैं। पूरी सेना लेकर आओगे, एक एक सेना को लेकर आओगे, उपस्थित रहोगे, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार करोगे, कल से हमारी ब्यूगल बजेगी, गांव बजेगी। बता दें कि बीजेपी ने गुना लोकसभा सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं राजगढ़ लोकसभा से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह 33 साल के बाद मैदान में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर पहले चरण के मतदान के बाद अब दावों की बारी है। स्मृति ईरानी ने दावा किया है कि बड़ा जनादेश वहां मिला है, बढ़त बना ली है। पहले ही राउंड में बीजेपी ने यह कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर फिर एक बार पहले चरण में बीजेपी को बढ़त मिल गई है। मोदी की गारंटी के समर्थन में लोग हैं। दरअसल आपको बता दें कि शुक्रवार को पहले चरण का मतदान हुआ, 102 सीटों पर वोटिंग हुई है और अब बीजेपी की तरफ से दावा किया गया है कि उनको सबसे बड़ा समर्थन मिला। रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने, सुनाते हैं आपको। देश में लोकसभा चुनावों के लिए फर्स्ट फेज की आज वोटिंग हो चुकी है। स्मृति ईरानी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। मैम, फर्स्ट फेज की वोटिंग लगभग खत्म होने के कगार पर है, फीडबैक आपको भी आ रहा होगा, क्या फीडबैक जनता से पूछिए, क्या लग रहा है भैया वोटिंग में, पूरे देश में क्या होने वाला है भैया? मोदी सरकार का ये पूरे देश में, जब आप सुन रहे हैं जनता का कॉन्फिडेंस कि नरेंद्र मोदी को 400 पार सीटें देनी है, जनता का ये उत्साह आज के पहले चरण में भी हमें देखने को मिला। मैं जनता का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ कि लोकतंत्र के इस उत्सव में वो शामिल हुए, आगामी फेजेस में भी इसी प्रकार से लोकतंत्र को सशक्त करते हुए अपना वोट जिम्मेदारी से लोग दें, यही मेरी प्रार्थना है। मुर्शिदाबाद की रैली में बोली है ममता बनर्जी, सुरक्षा बलों की तैनाती पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि सब कुछ लिखा जा रहा है, सही जगह पर सभी शिकायतें दी जाएंगी। आपको बताते चले कि मुर्शिदाबाद में किस तरह से रामनवमी के अवसर पर झड़प हुई थी, हिंसक झड़प की तस्वीरें सामने आई थी, कई लोग घायल हुए थे। और अब जहां मुर्शिदाबाद में जब ममता बनर्जी रैली करने पहुंची तो उन्होंने कहा है कि सब कुछ लिखा जा रहा है और सही जगह पर सभी शिकायतें होंगी। প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেনে রাখুন, এখন ইলেকশন চলছে, আপনাদের গভর্নমেন্ট, কিন্তু গভর্নমেন্ট ইলেক্টেড হবার পরে আবার নতুন করে বলবেন আমরা ইলেক্টেড গভর্নমেন্ট, যখন ইলেকশন চলে তখন কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট থাকে। আপনারা কি করে স্টেট পুলিশকে টোটাল বাদ দিয়ে শুধু সেন্ট্রাল পুলিশকে দিয়ে ইলেকশন করাচ্ছেন, যাতে বাক্স লুট করতে পারেন, মানুষকে ভোট দিতে আটকাতে পারেন, মানুষের ভোটে বাধা দিতে পারেন। মনে রাখুন, কমপ্লেন আমরা করে রেখেছি এবং আগামী দিন এই ইস্যু কিন্তু আমরা ছাড়বো না, আমরা শেষ পর্যন্ত লড়ে যাব। আমি সব এভিডেন্স পেয়ে গেছি, সব এভিডেন্স দিয়ে প্রমাণ করে দেব। तो लगातार टकराव की स्थिति बनी हुई है मुर्शिदाबाद और बाकी घटनाओं को लेकर। ममता बनर्जी ये कह रहे हैं कि सब कुछ नोट किया जा रहा है, कागज पर लिखा जा रहा है और वक्त आने पर शिकायत दर्ज कराई जाएंगी। सवाल यह है कि चुनाव आयोग फिलहाल सारी व्यवस्थाएं देख रहा है, केंद्रीय बलों की तैनाती का फैसला आज से नहीं बल्कि 3 दशक से है चुनावों के दौरान, तो अब इस तरह के टकराव की स्थिति और ऐसे हालात बनाने की कोशिश फिर एक बार की जा रही है। इधर पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया, इसके बाद बीजेपी अब दूसरे चरण की तैयारी में जुट गई है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी ने जबरदस्त चुनाव प्रचार किया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। हमारा एक पड़ोसी जो आतंक का सप्लायर था,
वो अब आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। सपा, बसपा, कांग्रेस, इन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर दिया था। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान निपट चुका है, अब 26 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए वोटिंग होगी। दूसरे चरण में 13 राज्यों की 89 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिनमें असम, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर की कुल 89 सीटें हैं। इनमें कुल 1,210 उम्मीदवार चुनावी मैदान में होंगे और इसलिए दूसरे चरण के चुनाव के मद्देनजर ही प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी 400 पार की हुंकार के साथ धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। 2024 में मोदी आपके पास गारंटी लेकर के आया है, गारंटी लेकर के आया है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी दूसरे चरण में 13 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड विजय के लिए महाघोष कर रहे हैं। सपा, बसपा, कांग्रेस, इन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर दिया था। वहीं उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले 8 सीटों पर योगी जमकर पसीना बहा रहे हैं, ताकि 80 में से 80 सीट हासिल कर प्रधानमंत्री मोदी की 400 पार की गारंटी को पूरा कर सके। शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश के दमोह में दहाड़े तो सबसे पहले बिना नाम लिए पाकिस्तान पर निशाना साध दिया। पाकिस्तान को आड़े हाथ लेते हुए प्रधानमंत्री बोले कि आज आटे के लिए तरस रहा है आतंक की सप्लाई करने वाला देश। कई देश दिवालिया हो रहे हैं, हमारा एक पड़ोसी जो आतंक का सप्लायर था वो अब आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। आज दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है, आपको गर्व हो रहा है। आप अमेरिका में भी भारत की वाह वाह रही हो रही, आपको गर्व हो रहा है। ये मोदी ने नहीं किया, ये जो हुआ है ना, वो आपके एक वोट की ताकत के कारण हुआ है। ये आपने किया है, आपके एक वोट ने करके दिखाया। मोदी यही नहीं रुके, मोदी जनता से बोले कि अपने वोट की कीमत समझिए, सही वोट से ही भारत का डंका बजा है। इसके साथ ही कांग्रेस पर भी मोदी ने करारा हमला बोला। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने देश को कमजोर करने का काम किया है। इंडी गठबंधन की सच्चाई बताना चाहता, दशकों तक कांग्रेस ने भारत के डिफेंस सेक्टर को कमजोर बनाए रखा। ये लोग सेनाओं के लिए हथियार खरीदने में भी अपना स्वार्थ देखते थे। पूरे देश ने देखा है कि कैसे इन लोगों ने पूरी ताकत लगा दी कि हमारी वायुसेना सशक्त न हो, देश में रफाल लड़ाकू विमान न आए। ये भाजपा सरकार है जो हमारी सेनाओं को आत्मनिर्भर बना रही है। भारत की पहचान अब दूसरे देशों को हथियार निर्यात करने वाले देश की बन रही है। और आज जब मैं यहां भाषण कर रहा हूं ना, इसी समय हमारा ब्रह्मोस मिसाइल विदेश जाने के लिए, सप्लाई के लिए, डिलीवरी के लिए थोड़ी देर में चल पड़ेगा। एक तरफ पाकिस्तान तो दूसरी तरफ कांग्रेस को रडार पड़ लिया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी विकास पर भी बात करना नहीं भूले।
मोदी ने कहा कि 14 में उम्मीद लेकर आया था, 19 में विश्वास लेकर आया था और अब 24 में मोदी की गारंटी लेकर आया हूं। जब 2019 में मैं दोबारा आपके पास आया तो विश्वास लेकर के आया था और आज 2024 में मोदी आपके पास गारंटी लेकर के आया है, गारंटी लेकर के आया है। इधर यूपी में दूसरे चरण की जिन 8 सीटों पर मतदान होगा वहां योगी अपना दमखम दिखा रहे हैं, मजबूत कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर वार का हवाला दे रहे हैं और सीधा सीधा सपा, कांग्रेस और बसपा पर हमला बोल रहे हैं। सपा, बसपा, कांग्रेस, इन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर दिया था। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। किसान के खेत से उसका ट्यूबवेल उखाड़ करके लोग लेके चले जाते थे। पिछली सरकारें दंगा करवाती थी, आज आप देखते होंगे दंगा नहीं है, कर्फ्यू नहीं है। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पे अगर किसी ने सेंध लगाई, किसी ने खिलवाड़ किया तो अयोध्या में तो रामलला विराजमान हैं, लेकिन उस माफिया और उस अपराधी का राम नाम सत्य है, तय है, इस बात को देख लेना है।